लोक के दूसरे संबंधों से हमें किनारा करना पड़ेगा। तन मन इंद्रिय परदेश छोड़ो भेष भवन का है। हमें छोड़ना क्या है? भेष यानी ये आकार, ये आकार ये शरीर है। भवन ये हमारा घर यानी ये पृथ्वी मंडल पे जहाँ हमें बाहरी संबंध क्रिएट कर रहे हैं, ये भारी क्लेश है। पहले इन्हीं को छोड़ो। पहले बाहर के बंधन कम होंगे तब शरीर के भीतर के अंदर की शक्तियों से जो बंधन मूलक हैं, जो गंदी शक्तियां हैं, जो हमें बांध के रखती हैं, उनको भीतर छुड़ा पाएंगे। उसमें स्वभाव की भी बंधन है, प्रकृतियों के भी बंधन है, विकारों के भी बंधन है, कर्मों के भी बंधन है, बाहरी बंधन जो ठोस बंधन है, यहाँ की संपत्ति बंधन कारक है, यहाँ के लोग, यहाँ के रिश्ते, यहाँ की मान बढ़ाई, यहाँ का धन, सब बंधन ही है। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, जरूरी काम याद आ गया कि आज तो लेट हो रहे हैं, सत्संग में देरी हो गई, रोजाना इस समय सत्संग हो जाती, आज नहीं उठी, घर पे जाए तो धोने का टाइम हो गया, जल्दी करो, चलो अपने जितना सुन लिया उतना सुन लिया जाए, तो जाना पड़ता चले जाते हैं। वो गाय तो बंधन हो गए, रूप तो मेरे को मिलता है लेकिन बंधन भी है। यहाँ पर सब ऐसा ही है, एक छोटा नमूना है, ऐसे तो सैकड़ों नमूने हर अपने सबके जीवन में है, अपन उनको महसूस भी करते हैं। तो छोड़ो वेद भवन का देश, ये क्लेश है इसे छोड़े। सुनो कान से गुरु संदेश, सुरत शब्द दे धावों से। अब करना क्या है, इसको छोड़ करके फिर करें क्या? तो मैंने कहा था एक कर्म जो है वो बंधन को पैदा करने वाला है, दूसरा कर्म ऐसा है जो बंधन को नष्ट करने वाला है। तो नष्ट करने वाले कर्म कहाँ से शुरू होंगे? तो यहाँ से। पहले तो सच्चे पूरे गुरुदेव जो उपदेश देते हैं यानी जान का भेद देते हैं, उसको सुनकर के उस पर विश्वास लाने। गर्मियों की ऊर्जा होती है, हम अनुभव करते हैं इसी प्रमाण की जरूरत है सत्य को। तो इस तरह से संतों के संदेश को सुनकर के मानते हैं, और जो संदेश देंगे उसमें मूल संदेश फिर क्या होगा कि हमारी जीवात्मा सुरत है, सत्य पुरुष, सत्य पुरुष सदगुण दया की वंश है और सत्य वंशी है। हमारा यह घर नहीं है, सत्य लोक सत्य देश हमारा घर है। तो वहाँ चलने का साधन है सदगुरु नाम। सदगुरु नाम दुनियात्मक रूप और वर्णात्मक रूप दो रूप में है, उसके दुनियात्मक रूप को ग्रहण करके उसमें अपनी सूरत तवज्जो को जोड़ करके उसमें तद्रूप होकर के उस डोरी को या धारा को पकड़ करके, जैसे नदी में मछली नदी के प्रवाह के उल्टी तरफ भी चल करके नदी के उद्गम तक पहुंच सकती है, उसी तरह से सूरत इस शब्द के प्रवाह में इस उल्टी चलती हुई ऊपर को चलती हुई मालिक के ही चरणों में, यह सूरत शब्द का अभ्यास या योग है। तो फिर सूरत शब्द ले धाओ से, इसका मतलब है आखिरी पद, अंतिम इस रचना का आखिरी छोर जहां से सब उत्पन्न हुआ वहां तक वापस पहुंचा जा सकता है। इस तरीके से सुरत को शब्द में जोड़ने से, तो सुरत शब्द ले धाओ से, तो संत सुरत ही वहां प्रवेश करेगी। मार्ग सुन के मैदान को पार करते वक्त जो डोरी है, इधर माया देश उधर सत्य देश, इधर भवसागर उधर सत्सागर, जब सत्सागर में प्रवेश करेगी तो वो अभ्यासी सुरत संत कहलाता है। संत सुरत वहां किया प्रवेश, संत सुरत ही वहां जा पाएगी। जब तक उस काबिल नहीं हुए तब तो उस लोटी के पार नहीं जाए, वहां तक पहुंचे भी नहीं। रस्ते में काल और माया सब दरबार बैठे हैं, जाने नहीं, पूरी चूंगी वसूल करके ही जाने देते। संत सुरत वहां किया प्रवेश, संत सुरत यानी संत, संतों में इतनी निर्मल शब्दमयी शब्द में तद्रूप करता मुझ में रही नहूं वारी तेरे नाम की जित देखूं तित तू। उसका नाम लेते लेते सदगुरु दयाल करते करते, जवान से करने वाली बात नहीं है, एक तरीका बताने का समझने का, उसी का रूप हो जाना हो गए तो वहाँ प्रवेश मिल गया और सदगुरु की दया से मिला। वो जो सोते करनी करके वहाँ पहुँच गया या कोई सोते करनी करके पहुँच जाएंगे, ये कभी नहीं होगा, सदगुरु की दया से यानी जो गुरुदेव पूर्ण संत सदगुरु बड़े बाकी से मिले, मालिक से भी उनका दर्जा
बड़ा है, बड़ा ही है सदा ही, उनकी कृपा से वो देश मिलता है। जहाँ जहाँ काया कर्म कले तो में हमें उपमा दिया था, चल रही सूरत में भूखा दे। अब कहते हैं वो देश मिलेगा किस कैसे, वो तो मिलेगा केवल संत सतगुरु की दया से। तो संत सतगुरु की दया तो सब पर ही होती है, तो सब तो नहीं मिलता, यानी उनको हिलाने पर जब वो दिल से प्रसन्न हो जाएंगे तब वो देश प्रतिष्ठित करेंगे। बाकी सारी करनी जो बीच में भी आई थी जिसका संक्षेप में वर्णन हुआ, वो सब उनकी दया का नमूना है। जब वो दया करेंगे तभी हमारा तन में मन में इंद्रियों में भी लोक में हमारा बंधन कम होगा। वो दया करेंगे जब सुरत अपने योग का भेद देंगे, वो दया करेंगे जब सुरत अपने योग के करनी करवाएंगे, वो दया करेंगे जब अपनी शरण देंगे, और वो दया करेंगे जब हमसे उनकी शरण ली जाएगी। तो हर कदम पर मूल उनकी दया है, इसलिए सारा काम उनकी ही दया से हुआ। सदगुरु दया मिला वह देश, काल कर्म की गरीब पेश तोड़े नाम है माया की देश की। ये बहुत ही जीव के लिए पार पाना इससे बड़ा कठिन है, लेकिन काल और कर्म कितने प्रबल हैं इस पर हमने विचार किया। अब जो सच्चे पूरे गुरुदेव की कृपा हो गई तो काल और कर्म की कोई पेश चलने वाली नहीं है, चाहे कितने प्रबल थे और आज भी हैं, लेकिन उस पर नहीं चलेगी जिसने सत्य पूरे संत सतगुरु की शरण लेकर के सुरत शब्द ले धाओ से सुरत शब्द योग का भेद लेकर के उनके चरणों की शरण लेकर के उनके चरणों में मजबूत प्रीति का बंधन मजबूत करके उसके बाद में जो उस रस्ते पर चला और उन्होंने हाथ पकड़ करके चलाया उसको काल और कर्म को ले। कितनी माइक संख्या बीच में आ जाए, सतगुरु नाम के आगे बेहसर है, पाप जी के सामने बेहसर है। बाजी का नाम लेते ही पकड़ना पड़ता है। डाकिने साकिने कहो के लकारे जमकिं कर धर्म दूत हंकारे सत नाम सुन भागे सारे जब सत गुरु नाम उचाराए करने नौ दीदार मल में प्यारा है। बहुत सारी डाकनी साकनी आने की रास्ते की रचना का हाल सतगुरु कबीर साहब जी ने दया करके फरमाया है कि रास्ते में माया के देश की सीमा यहीं पर तो समाप्त नहीं होती है, बहुत है ऊंचे के रचना में बहुत ऊंचे तक इसका हद है। तो कई माई सखियों के अपने इलाके हैं वो बड़ी डराती हैं, जो आगे जाने नहीं देती, लेकिन चाहे वो कितने भी मूल भान कर ले डाकनी साकनी बहुत खिलता रहे। और जब के दूध जब नींदर धर्मराज जी के दूध यमराज स्वयं वो भी हमें डराते हैं, लेकिन सत्य नाम सुन भागे सारे जब सदगुरु नाम ऊंचा रहा है, जब ये सदगुरुदेव प्रकट होते हैं और वो सब नाम सुन करके ही चल जाते हैं। तो काल कर्म की गई नेश तोड़े दांत और काटे नेश, काल के तो काल के दांत कितने मजबूत है एक नमूना तो बहुत अच्छा वर्णन भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण का है। जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो दिखाया कि मैं इस समय अन्यायी राक्षसी प्रवृत्ति के इन लोगों का भक्षण करने के लिए मैं इस समय बड़ा हुआ काल भगवान ने कहा। तो भगवान ने अपना रूप दिखा, अर्जुन ने कहा आप कौन है भगवान, मेरे को डर लगने लगे, आपसे तो साथ रहता हूँ, आप मेरे मित्र थे, अब ये कौन है, आप जो दिखते हैं वो आप ही हैं कि कोई और लोग है कि आपका ही लोग है, आपकी दाढ़ों के अंदर आपके मुंह में ये सारे सूरवीर जो सामने खड़े हैं इनमें से बहुत से कुछ मेरी तरफ के योद्धा भी आपके मुंह में प्रवेश करते हैं, टीटी दल जैसे जाता है वैसे आपके मुंह में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ आपके जबड़ों दांतों के बीच में चूर्ण हुए हुए कचरे हुए जैसे अपन खाते हैं, अपन कोई चीज खाने केला खाने कोई चीज खाना कचरी जाती है भोजन को चबा चबा के खाते, तो आपके मुंह में चबाए हुए आपके दांतों के बीच में लगे हुए कुछ दिखते हैं, ये हुबो शब्द हैं भगवान कृष्ण के संस्कृत के लोग मुझे याद नहीं रहते। तो काल के दांत हैं तो बड़े मजबूत, लेकिन पूरे संत सतगुरु की कृपा से और उनके नाम के प्रताप से वो दांत अपने लिए तो टूटे हुए हैं, अपने तोड़ने लगे।
लेकिन शर्त वही है जो प्रारंभिक हुक्म था कि ससुर के लिए चलो और फिर चलने के लिए रास्ते में कैसे कैसे चलने का है संक्षेप में जो तरीका बताया गया उस प्रेम मई घाट पर आकर के इस अभ्यास को करने की शुरू शुरू के नाम सूर के और उसके भले कितने बड़े बड़े नाखून हों हिरण्यकश्यप के तो आदमी बाहर निकाल दिए नाखून से चीर के किसने भगवान ने तो निकाल कोई बात नहीं अपने लिए उससे भी डरने की जरूरत नहीं है सारे कपड़े चाहे कितने मजबूत दांत हों चाहे कैसे मजबूत नाखून हों वो सब पाप कर्म करने वाले अन्यायी जीवों के लिए जो भक्ति के रास्ते पर चलने वाला और जो सुरसत योग के तरीके की भक्ति आपने कहा कलयुग की असली भक्ति सर्वोच्च भक्ति सबसे मालिक के धाम में पहुंचाने वाले उनके चरणों में उनके दरबार में हाजिर ले जा करके हमें हाजिर करने वाली भक्ति सुरसत योग की भक्ति प्रेमा भक्ति इस प्रेमा भक्ति को सुरसत योग की भक्ति को यानी सत्य के अभ्यास करने वाले को काल के दांत और काल के नाखून पर मतलब फिर किसी तरह का कोई कलेश सही नहीं मजबूत से मजबूत तो काल ही है सबसे दुरुद तो काल ही होता है ना काल से ज्यादा भयानक और सागर की रचना में भी कोई नहीं तो चाहे काल कितना भी दुरादर्श हो कितना भी कठोर हो डरावना हो हमें डरने की जरूरत नहीं सतगुरु को करूँ आदेश राधा स्वामी पूरे धनी धने इसलिए जब उनकी कृपा से काल के जाल से ही छूट गए काल के जबड़े में से ही बाहर निकाल लिया गुरुदेव ने दया की काल का चबेना हो रहे थे काल हमें चबाता था कुछ मुख में मुख को काल को बस इसी तरह से चबा रहा है कि कुछ उसके हाथ में कुछ जबड़ों के अंदर चले गए बाकी वो खाके लगा रहा तो नंबर आने वाला था लेकिन परिहारी है सबसे पूरे गुरुदेव की और उनके बताए हुए सदगुरु नाम की कि जो चाहे काल का कितना ही प्रबल प्रभाव हो और ऊंची गति वाला इतना ऊंचा इतना प्रतापी कि काल की चक्की जिसमें तीन लोग पीसे जाते हैं महापुरुषों ने कहा कि पूरी पूरी त्रिलोकियां एक साथ एक एक जीव को एक एक दाने की तरह काल डालता है वो अलग बात है बहुत ही मनते हैं बहुत दिल लेकिन कभी ऐसा समय भी आता है कि जब पूरे ब्रह्मांड की प्रलय एक साथ होती है तो पूरी त्रिलोक की उसके अंदर अनगिनत असंख्य रचना रूपने असंख्य जीव वो सारे के सारे एक बार में खा जाता है तो इस तरह से सारी सृष्टि को खाने वाला काल है लेकिन हमारे गुरुदेव का शब्द भी इतना प्रतापी है कि उसकी चक्की के पार ही उखाड़ती है यह है सदगुरु नाम की और वाल्मीकि की महिमा ये पूर्ण संत सतगुरु संत रूप में जो हमें मिले दया करके जगत में आए तो इसलिए इस आखिरी कड़ी में कहा है कि सतगुरु को करूं आदेश आदेश यानी उनका वंदन करता हूं उनके उनकी कृपा को याद करके और उनके अपन जैसे कहते हैं कि दुआई अपन उनकी दुआई देते हैं धन्य है हम तो धन्य हो गए उनकी कृपा से उनकी कृपा को याद करना उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करना आदेश का वो बहुत शब्द तो होता है वंदना पुराने जमाने में ऋषि साधु ऋषि मुनि जो होते थे आपस में जो आजकल नमस्कार प्रणाम ऐसे कहते हैं उस समय आदेश कहते हैं ये आदेश का मतलब वंदन होता है तो सदगुरु को और करो आदेश सदगुरु के चरणों में बारम्बार वंदना है प्रणाम है कि वो ऐसे हैं कि पूरे धनी हैं और समस्त वैभव समस्त संपत्तियां समस्त ज्ञान प्रकाश मुक्ति तो उनके चरणों में कोई गिनती नहीं है कोटि मुक्ति संतन की चली वैभव या बड़प्पन का अपन क्या अंदाज लगा सकते हैं जिस मुक्ति के लिए लोग तरसते हैं पूरी दुनिया और बड़े बड़े ऋषि मुनि और ऊंचे ऋषि के महात्मा और सब जो ना हार थक कर रहे ऐसी मुक्तियां तो उनके चरणों में कोटि मुक्ति संतन की तेरी पलटू दास मूल हमेरी तो वो संत हमें तो मिल गए या राधा स्वामी से मतलब है भक्त के सदगुरु से यानी जो उनके समय में राधा स्वामी साहब के समय में
उनके शरण में आए, उनके लिए वो पूरे मालिक, हमारे लिए वही मालिक बाप जी साहब के रूप में, माता जी साहब के रूप में आए, तो हमारे लिए तो वही पूरे धनी और वही धने यानी समस्त धन के, वैभव के, सत्य के, चैतन्य के, प्रेम के, सद्गुणों के, दान के, दया के भंडार, स्वामी मालिक। तो ये है बाकी के देश के चलने का तरीका। और हमें आज भगत जी की बरसी पर यही संकल्प दृढ़ करना चाहिए, यानी चाहे तो इस भाषा को देश की भाषा में मैंने शुरुआत की थी और उसका शास्त्रोक्त रूप यह है कि भाई मनोती मान लो या मजबूत इरादा कर लो, संकल्प कर लो, ध्येय तय कर लो कि अब छोटी मोटी चीज क्या मांगना इनसे, मांगते हैं तो मिलती है, क्योंकि जो देने वाला वो तो देता ही है, इनके गुरु तो परम दाताओं के दाता थे, इनके ये कह सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज के दरबार में कोई कभी तो उन्हें है नहीं, लेकिन छोटी चीज क्यों मांगे, छोटी चीज मांगते हैं तो छोटी मिलती है कि नहीं मिलती है, उनके घर जाने का जब वो पहुंच गए तो हम भी वहां पहुंच सकते हैं, रास्ता तो खुला है, खुला है तो हम भी उस रास्ते पर चले वहीं पहुंच जाए, इसके लिए उनका आशीर्वाद मांगे, उनकी दया मांगे, उनसे प्रेरणा लें, और गुरुदेव दया करेंगे, मालिक दया करेंगे, और हम भी इस तरह से उस देश में जा सकते हैं जो बाप जी का अपना देश है, हमारा भी अपना घर है, और वहां कर्म का, काया का, माया का, काल का, दुखों का, मौत का, विकारों का, जुदाई का कोई खतरा नहीं, कोई क्लेश नहीं है। तो उस क्लेश नहीं घर में जाने के लिए बाप जी के चरणों में सर्वद्ध प्रार्थना है, दया करें, और जो आपका काम है, आपका दरबार है, आपके चरणों में हम सब पर दया करके हमें उसके लायक बना करके वही ले चलें, वही बुला लें, जिससे कि हम भी सदा सदा के लिए दुखों से रिहाई पा जाए, दुखों से छुटकारा पा जाए, इतने भयंकर दुखों में हम हैं, घिरे हुए हैं, इनसे आज इनके चरणों में प्रार्थना कर दो, अगले साल वो पूरे हो जाएंगे तो भंडारा करेंगे, तो इसकी बजाय सारे दुखों से एक साथ छुटकारा पाने की भी प्रार्थना कर सकते हैं, छोटे छोटे दुख क्यों करें, ये दुख तो आज दूर होंगे कल वापस आ जाएंगे, कल दूर होंगे परसों वापस आ जाएंगे, नया दुख पैदा हो जाएगा, इसलिए सारे दुखों से पूरे छुटकारा मांगते हैं हम तो, क्योंकि थोड़ा मांगने का भी तो एक पात्रता होनी चाहिए, अच्छी चीज मांगे, बड़ी चीज मांगे, लेने वालों को पता चले कि हाँ मांगने वाला जो है भाई चीज तो असली ही मांग रहा है, नकली से ये कुछ नहीं होगा, तो नकली नहीं मांगेंगे। अब इनके चरणों में प्रार्थना है कि वो हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी अपने गुरुदेव के चरणों में प्रेम निभा सकें, प्रेम को प्रकट करें, प्रेम को बढ़ाएं, प्रेम को निभाएं, और उसी प्रेम के रास्ते पर चलते हुए हम भी अपने बाबी के रास्ते पर पहुंच जाएं, इसी प्रार्थना के साथ। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है, तो
एक एक दो दो करके दर्शन करें और फिर बाहर वो पंडाल में जाकर के सदगुरु का महाप्रसाद तैयार है जो सब लोग वितरण हो रहा है वहां पे लें। बोलो सदगुरु दयाल की जय हो। कृपया एक एक करके दर्शन करें एक साथ भीड़ में। जब कुछ कोशिश करेंगे कुछ सफल होगी कुछ नहीं होगी, ऊपर से कोशिश करेंगे प्रभु कि हमारा आचरण सत्संगी वाला रहे, अभ्यासी वाला रहे, संत बन के सच्चे सत्संगी हम बन सकें, तब हम देश के रहने के अधिकारी। जब हम साधना में तत्पर हो पाएंगे, बाद भी दया करेंगे और हमारी जीवात्मा अपने मन को सुधार करके सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, सुमरण के द्वारा, विनती प्रार्थना के द्वारा और भाव जी की कृपा मूल रूप में वही काम करेगी, उसके द्वारा जब हमारा